राज कॉमिक्स प्रतिष्ठित प्रकाशन समूह जो कि पिछले 4 दशक से भारतीय कॉमिक बुक सुपर हीरोज का सफलतापूर्वक प्रकाशन कर रहा है, इस वर्ष इस संस्था ने लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रृंखला द अलायंस प्रोजेक्ट मेटामॉर्फोसिस चैप्टर 1 के लॉन्च की घोषणा की। 31 मई 2024 को रिलीज के लिए निर्धारित यह महत्वाकांक्षी परियोजना सुपर कमांडो, ध्रुव और डोगा जैसे लोकप्रिय पात्रों को टीवी स्क्रीन पर प्रस्तुत करने जा रही है। प्रकाशक का मानना है कि यह लघु फिल्म श्रृंखला नई पीढ़ी के लिए भारतीय कॉमिक्स के आकर्षण को फिर से जगाएगी। फिल्म की शुरुआती किस्त राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। 1980-90 के दशक में राज कॉमिक्स ने सुपर हीरो की एक वृहद सूची के साथ लाखों लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया, जिसमें आतंकहर्ता नागराज, राजनगर का रखवाला सुपर कमांडो ध्रुव, रात का रक्षक डोगा और अगणित अन्य सुपर हीरो शामिल थे। ये सभी पात्र भारतवर्ष में घरेलू नाम बन गए और उन्होंने मनोरंजक और रोमांचक कारनामों से लाखों पाठकों को प्रेरित किया है। 1986 में हमने राज कॉमिक्स शुरू की थी, जिसमें हमारा आइडिया था कि हम सुपर हीरोज़ को लेके आएंगे, हिंदुस्तान के अपने सुपर हीरोज़, जिसमें नागराज है, सुपर कमांडो ध्रुव है, डोगा है, परमाणु भोपाल, इस तरह से तकरीबन 100-150 सुपर हीरोज़ हैं हमारे। और तभी से ये सपना था कि हम इनको फिल्मों में लेके आएंगे। आज जाके वो सपना साकार हो रहा है और आप देखेंगे एक बहुत शानदार सुपर हीरो मूवी है जो आज यहाँ पर हम इसको रिलीज कर रहे हैं और मुझे विश्वास है वो सबको बहुत पसंद आएगी। NBC News के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की।